सो हाय एवरीवन दिस दिस इज साइड आई होप आप सब लोगों ने डे सेवन तक का लेक्चर्स अपडेट कर लिया होगा डे सेवन में भी हमने सम्स किया था और डे सिक्स में भी हमने सम्स किया था पहला पांच मिनट आज में हम लोग ने आईओसी का क्या सम किया थे चार उसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग आईओडी के सम में जाएंगे आईओडी सिखाने के बाद मैं आपको वापस पीछे लेके आऊंगा और फिर एक चैप्टर का एक फ्लो बनना स्टार्ट होगा ठीक है तो वी आर स्टार्टिंग विद द लर्निंग ऑफ डे एट ठीक है तो अपना अब स्टार्ट हो रहा है डे एट सब रेडी होंगे मेरे हिसाब से ठीक है हाँ, चलिए तो जब मैं डे स्टार्ट कर रहा हूं, पहले पॉइंटर्स ऑन आईओसी आईओसी का फुल फॉर्म याद है आप लोग को यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन आइटम क्यूँ अप्रोप्रिएशन आइटम है बिकॉज इट इज पेड टू अ पार्टनर तो कोई भी चीज जो आप पार्टनर को दोगे दैट विल बी एन अप्रोप्रिएशन आइटम विच विलच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट इसका मतलब है अगर धंधा में लॉस हुआ है तो आईओसी पेमेंट नहीं होगा परफेक्ट सेकेंड पॉइंट आईओसी का रेट टू बी गिवन क्वेश्चन में रेट गया हुआ होगा रेट हैज टू बी गिवन एंड दिस रेट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड तो अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो आईओसी कैलकुलेट नहीं होगा ठीक है तीसरा बात आई ओ सी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल ठीक है तो आपको सम में हमेशा देखना पड़ेगा कि क्या हमारा कैपिटल ओपनिंग है या नहीं है एंड फिर इसका कैलकुलेशन दो चीजों से इफेक्ट होगा वन विल बी एडिशन ऑफ कैपिटल एंड दूसरा विल बी परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल तो आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है और दो चीजों से इफेक्ट होता है एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल ठीक है अब बात समझना ए विड्रू रुपीस टेन थाउजेंड डिंग ईयर तो आप बताओ ए ने कितना रुपया निकाला दस हजार रुपया अब देखो अगर कोई भी पार्टनर रुपया निकालता है ना तो वो दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है वो ड्रॉइंग्स भी हो सकता है परमानेंट विड्रॉल भी हो सकता है मैंने खाली बोला दस हजार रुपया निकाला और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स इट विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स के ऊपर वी विल कैलकुलेट आई ओ डी आईओ सी कैलकुलेट नहीं होगा सिमिलरली अगर मैं लिखू ए विड्रू रूपीस टेन थाउजेंड फ्रॉम कैपिटल अब ये दस हजार रुपया आपने किससे निकाला है कैपिटल से निकाला है तब हम इसे बोलेंगे परमानेंट विड्रॉल क्या बोलेंगे हम इसे परमानेंट विड्रॉल और इसके कारण किस पे इफेक्ट आएगा आईओसी पे इट विल इफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी और अगर मैं बोलू ए विड्रू रुपीस रुपीज टेन थाउजेंड अगेंस्ट प्रॉफिट तो मैंने अब ये दस हजार रुपया किससे निकाला है प्रॉफिट से निकाला है ये मेरा डे टू डे रुपया है तो ये भी हमारे लिए क्या है ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स के ऊपर वी विल कैलकुलेट आई ओ डी ओके समझ गया हाँ तो समझो आईओसी इज अ व्हाट आइटम एप्रोप्रिएशन आइटम

ड्रॉइंग्स के ऊपर आईओडी निकलता है इसका आईओ से कोई लेना देना नहीं है ए विड्रू टेन थाउजेंड फ्रॉम कैपिटल इट इज परमानेंट कैलकुलेशन को इफेक्ट करेगा और लास्ट में मैं बोला ए विड्रू टेन थाउजेंड अगेंस्ट प्रॉफिट ये भी क्या है ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स के ऊपर क्या कैलकुलेट होगा आईओडी ये मेरा पूरा कंसेप्ट है अब याद है कैलकुलेशन ऑफ आईओ करने के लिए मैंने आपको क्या लिखना सिखाया था रेट बाय हंड्रेड इंटू वन बाई ट्वेल्व इंटू ओपनिंग कैपिटल जितना मंथ्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना प्लस एडिशन या विड्रॉल परमानेंट विड्रॉल जो भी हुआ है उसके कारण जितना कैपिटल हो जाएगा जितना कैपिटल हो जाएगा इन टू मंथस आप एडिशन विड्रॉल पे नहीं निकालोगे जितना हो जाएगा उस पर निकालोगे तो मानो एक जन का ओपनिंग कैपिटल लाख था फिर उसने एडिशन किया एक लाख तो आप पांच लाख पे निकालोगे और छह लाख पे निकालोगे और ये मंथ्स जो ना सारा मंथ्स जोड़ के कितना महीना आना चाहिए बारह महीना एक साल परफेक्ट है यह हमारा हो गया आयुसी का ज्ञान अब इसको कंक्लूड करने के लिए मानो दो पार्टनर है ए और बी इन दोनों ने फॉर्म में क्या लगाया है कैपिटल तो फॉर्म और ए और बी पार्टनर अलग अलग है अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी तो फॉर्म ऐसा मानता है कि उसने ए और बी से रुपया क्या किया है बोरो किया है तो फॉर्म ए और बी को क्या पे करेगा आई ओ सी तो ये आईओसी सी फॉर्म के लिए क्या है एक्सपेंस है स है तो डेबिट होगा एंट्री बनेगा आई ओ सी अकाउंट डेबिट टू एपिटल टू बीस कैपिटल ए और बी को रुपया देना है तो उनका कैपिटल बढ़ गया है अब ये जो आईओ सी डेबिट हुआ है दिस आईओसी इज एन एक्सपेंस तो ये बंद हो जाएगा उनके घर में जाके एंट्री बनेगा पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओ सी ये है हमारा पढ़ाई किसका आईओसी का एन आईओसी किस कैपिटल पे निकलता है ओपनिंग कैपिटल दो चीजों से इफेक्ट होता है एडिशन ऑफ कैपिटल परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल क्योंकि हम लोग आईओसी पार्टनर को देता है इट इज एन अप्रोप्रिएशन आइटम एंड सारा अप्रोप्रिएशन आइटम एक ही अकाउंट में जाता है कॉल्ड एस पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट विच विल बी डन ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट लॉस के टाइम पे आईओसी देने का जरूरत नहीं है क्योंकि आईओसी एक अप्रोप्रिएशन आइटम है चार्ज आइटम नहीं है मेरा भाई उसके लिए आईओसी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो आईओसी कैलकुलेट नहीं होगा IOC का कैलकुलेशन दो चीज से इफेक्ट होगा एडिशन ऑफ कैपिटल परमानेंट अगेंस्ट कैपिटल अलग है परमानेंट अलग एंटायर थ्योरी अगेन आईओडी में भी दो डेज लगेगा अपने को. वो सिखाने के we'll the पुरा का पूरा अच्छा से उसके बाद हम लोग पीएनएल एन अप्रोप्रिएशन का सम करेगा एंड कंक्लूड इट विद अनदर टॉपिक ऑफ आईओसी ऐसा हमारा होगा क्या ये बात समझ आ गया है ठीक है अब आइए नाउ वी आर मूविंग टू डी हम लोग को डी करना है तो समझो ए और बी और फर्म है ओ डी कब करेगा जब पार्टनर्स क्या करेगा ड्रॉइंग्स इसका मतलब है A और बी ने फर्म से क्या लिया है फॉर्म से पैसा विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए तो ए और बी जो भी अपना रुपया पर्सनल यूज के लिए फर्म से लेगा उसको क्या बोलेगा ड्रॉइंग्स और इसके बदले इस बार फॉर्म नहीं ए और बी देगा मतलब फॉर्म रिसीव करेगा आईओडी डी ये आईओडी डी फर्म के लिए क्या हो गया है इनकम जो उसको ए और बी से मिलेगा ए और बी से आईओडी क्यों मिलेगा उसको अगर कोई बता सकता है तो ए और बी से आईओडी इसके लिए मिलेगा क्योंकि फर्म ने ए और बी का क्या किया है ड्राइंग्स किया है ए और बी ने रुपया निकाला है तो ए और बदले में क्या देगा आईओडी फर्म को आईओडी मिलेगा किससे मिलेगा ए और बी से तो ये आईओडी फर्म के लिए क्या है इनकम इनकम है तो फर्म आईओडी को क्या करेगा क्रेडिट करेगा किससे लेगा इसका रुपया ए और बी से लेगा तो एंट्री बनेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी अब आपको पता है जितना भी इनकम और एक्सपेंस है वो खुला नहीं रहेगा वो बंद हो जाएगा तो ये जो आईओडी क्रेडिट हुआ है ये आईओडी क्या हो जाएगा डेबिट और किस अकाउंट में जाएगा पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओके यही है हम लोग का आईओडी का एंट्री खत्म बात एक्सपेंस था एंट्री आईओसी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैपिटल पीएन आईओडी एक्सपेंस इनकम से मिलेगा क्योंकि ने पार्टनर लिया है पैसा लिया है तो आईओडी मिलेगा तो आईओडी इनकम है एंट्री बनेगा एस टू आईओडी अगला एंट्री आईओडी अकाउंट डेबिट टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से एक कैपिल अकाउंट डेबिट बीस कैपिल अकाउंट डेबिट टू तो आईओडी आईओडी अकाउंट डेबिट टू तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमारा पढ़ाई है आईओडी का अगर आप बोलेगा तो आप समझाएगा नहीं तो मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा आईओडी मिलेगा तो क्रेडिट होगा इनकम है क्रेडिट है बंद करने के लिए क्या करेगा डेबिट और वो अपने घर में चला जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पार्टनर से भी जो भी लेना है पार्टनर को जो भी देना है वो सारा हिसाब एक ही अकाउंट में होगा कॉल्ड एज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म बात क्या यह बात समझ आ गया अब हम लोग को क्या कैलकुलेशन सीखना है आईओडी का देर आर थ्री वेज टू कैलकुलेट आईओडी कितना तरीका आईओडी कैलकुलेट करने का तीन नंबर ए सिंपल मेथड नंबर बी प्रोडक्ट मैथड नंबर सी शॉर्टकट मैथड तो आईओसी निकालने का टोटल दो था, तीन तरीका है और ये जो दोनों तरीका है ना ये एक ही है तो अगर मैं बोलू तो नाम तीन है एमसीक्यू के लिए पर सम करते समय दो ही यूज होगा क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट एक ही बात है ठीक है तो बताइए आईओडी निकालने का कितना तरीका हो गया तीन क्या क्या तीन तरीका है सिंपल प्रोडक्ट शॉर्टकट सिंपल प्रोडक्ट शॉर्टकट ठीक है आईओडी हम लोग को फॉर्म को देना नहीं है हम लोग को फॉर्म से फॉर्म को आईओडी फॉर्म फॉर्म आईओडी देगा नहीं फॉर्म को आईओडी मिलेगा तो ये आईओडी फॉर्म के लिए क्या है इनकम क्रेडिट होगा और यही इनकम वापस से क्या हो जाएगा डेबिट और अपने घर पे चला जाएगा घर का नाम है पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब ये जो आईओडी है इसको निकालने का दुनिया में तीन तरीका है सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड ठीक है सिंपल और प्रोडक्ट एक ही बात है और शॉर्टकट अलग है अब हम एक चीज लास्ट क्लियर कर देता है नोट में Shortcut method is to be used only when a partner withdraws equal amount at equal intervals. तो हम लोग शॉर्टकट खाली तब यूज करेगा जब एक पार्टनर इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स निकालेगा अमाउंट भी इक्वल होना पड़ेगा दो ड्राइंग के बीच का गैप भी एक ही होना पड़ेगा तो ये जब हम सम करेगा ना आपको समझ आ जाएगा कि कब शॉर्टकट यूज होगा और कब सिंपल या प्रोडक्ट यूज होगा सिंपल या प्रोडक्ट में एक ही बात है तो दो तरह का सम होगा एक में शॉर्टकट लगेगा एक में सिंपल या प्रोडक्ट लगेगा तो आईओडी का सम्स इजी है अगर आप ट्रिक समझ गया तो तो ये हम लोग का पढ़ाई है अभी तक का तो मैंने आज पूरा आईओसी का सारा ज्ञान दे दिया आईओडी का दे दिया इस टाइम पे आपको घर पे एक बार वापस से सॉल्व कर लेना चाहिए क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू ऑफ आईओसी होमवर्क क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन नंबर टू ऑफ आईओसी अब हम लोग क्या करेगा इसके बाद अगला वीडियो में विल डू ऑल द सम्स ऑफ आईओडी विल कैलकुलेट आईओडी पूरा का पूरा ये करने के बाद हम लोग इस चैप्टर का सारा पॉइंट्स कवर करेगा एंड देन वी विल गो विल डू पीएनएल तो इसके बाद वी विल कवर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर जितना भी थियोरी पॉइंट है चैप्टर देन वी विल प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट

ठीक है और इससे हाफ ईयरली में आपका एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकता है तो अच्छा से प्रिपेयर करना है आई का कैलकुलेशन अपने को अगले क्लास से तो आज के लिए इतना ही गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल विल बी ग्रेट हेल्प फॉर अस वी आर ट्राइंग टू ग्रो फ्रॉम योर ऑन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है ठीक है एंड अगर कुछ भी डाउट होता है यू कैन पिंग इट टू अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस इट आज के लिए इतना ही गाइस थैंक यू सो मच साइनिंग इट ऑफ योर